हेलो। हेलो, कैसी हो? तुम तो वहां जाके बिल्कुल मुझे भूल ही गई। मैं ठीक हूँ, और हम भूलने वालों में से नहीं हैं। तुम बताओ, तुम्हारा मूड ठीक हुआ? वैसे एक बात तो कॉमन है मेरे तुम्हारे में, हम दोनों भूलते नहीं हैं। क्या बात है सारे, परेशान लग रहे हो? बल्कि परेशान कम, उदास ज्यादा लग रहे हो। नहीं, आई एम फाइन। वैसे ही बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसलिए कॉल कर ली। पक्का यही बात है ना? हाँ यही बात है। एनीवे मैं फोन रखता हूँ, और प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। मिसिंग यू लॉट, अपना ख्याल रखना। बाय। मामा, मैंने रानी के साथ मिलके चाय का सारा इंतजाम कर दिया। आहिल सो रहा है तो मैं बस फ्रेश होकर आती। उठेगा तो बेटा उसे भी तैयार कर देना। हमारी सहरिश का इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आ रहा है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आपको कैसे पता चला कि वो मेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं? उनके आने की और क्या वजह हो सकती है? अपने बेटे को साथ लेकर आ रहे हैं, शौहर भी साथ आ रहे हैं। इतनी पढ़ी लिखी खातून है वो, ये थोड़ी कहेंगे कि रिश्ता लेकर आ रही है। रोमी बिल्कुल ठीक कह रही है, और यहाँ आने की और तो कोई भी वजह नहीं है, और ना ही हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी है। पहली बार भाभी की वो बात अच्छी लगी है। सरिश, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। भाभी, मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उनके आने में अभी काफी टाइम है। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ रूमी, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है भाई? आपने इस वक्त फोन किया? रूमी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उनको लेके हॉस्पिटल आया हूँ। क्या क्या हुआ है अम्मी को? रूमी सुबह से उनको वॉमिटिंग हो रही थी, ब्लड शुगर भी उनकी फ्लक्चुएट कर रही थी। हॉस्पिटल आए तो पता लगा कि फूड पॉइजनिंग है। बहरहाल डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया उन्हें। भाई अम्मी की इतनी तबीयत खराब है और आप मुझे अभी बता रहे हैं? अरे मैंने तो बताना ही नहीं था तुम्हें, लेकिन तुम अम्मी को तो जानती हो, बीमारी में ना ठीक से दवा लेती है ना कुछ खाती है। अब तुम्हारी बात सुन लेती तो मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके बुला लूं। अच्छा परेशान ना हो आप, अम्मी का ख्याल रखें, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो जरा चक्कर लगा लेना और आके अम्मी को देख लेना। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।